टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने कासरवडौली पुलिस स्टेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 बंदूक और 11 कारतूस बरामद किए हैं, साथ ही बंदूक बनाने वाले जो औजार है वो भी बरामद किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि थाने के गायमुख इलाके में एक व्यक्ति हथियारों की तस्करी करने आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर घेराबंदी की और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और तलाशी के दौरान इसके पास से 2 बंदूक और 4 कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में इसने अपना नाम दयानंद सुदामा भंडागे उर्फ नवश्या बताया है और ये रहने वाला वसई का है, मगर वहीं पुलिस ने जब इससे और कड़ाई में पूछताछ की तो इसने अपने एक साथी चंद्रदेव वसंत लाल का भी नाम बताया, ये भी वसई में ही रहता था। पुलिस ने वसंत लाल के घर पर छापेमारी की, जहां से 8 बंदूक और कुछ कारतूस यहां से भी पुलिस ने बरामद किया। यानी कि इन दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने कुल 10 बंदूक और 11 कारतूस बरामद किए हैं, साथ ही बंदूक बनाने वाले कुछ औजार भी बरामद किया गया है। और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि इस तरह के बंदूकें जो हैं वो ज़्यादातर शिकार करने के काम में आते हैं और पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है कि इन दोनों आरोपियों ने क्या इस तरह के बंदूकें और भी किसी को बेची है, और अगर बेची है तो आखिर वो खरीदने वाला कौन है। पुलिस इस पूरे मामले की आगे जाँच पड़ताल कर रही है और आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है। 15 फरवरी के रोज़ हमको सीनियर PI श्री बाप शेट्टी, ACP श्री सोनव ने और डिटेक्शन ऑफिसर के सचिन सरडे, इनको एक इन्फॉर्मेंट ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि एक व्यक्ति गायमुख के आसपास कहीं इलीगल वेपन्स का व्यापार करने पहुंचने वाला है। इन्होंने तुरंत अपनी टीम रवाना करते हुए वहाँ पर ट्रैप ले किया और उस व्यक्ति को तुरंत उन्होंने ताबे में लिया। उससे जब छानबीन की गई तो उसका नाम, उसने अपना नाम दयानंद भड़ांगे उर्फ नौशा पोमन बागपाड़ा पोस्ट कामन तालुका वसई जिला पालघर यहाँ का रहने वाला है ये बताया। उसके पास 2 सिंगल बैरल वेपन्स मिले थे, उसके पास उसके पुष्टिदायक कोई कागज़ या लाइसेंस नहीं थी, इसलिए उसको तुरंत पुलिस ने अरेस्ट करते हुए ऑफेंस रजिस्टर किया। CR नंबर 54/22 आर्म्स एक्ट 325 के तहत वेपन ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। उस अधिक तफ्तीश और इंट्रोगेशन के बाद उसने ये बताया कि उसका एक और साथीदार है जिसका नाम चंद्रदेव सरोज 41 साल का है, जो बेसिकली लेथ मशीन चलाता है और वो गौरीगंज वसई पूर्व में फ़िलहाल रहता है, बट ओरिजिनली उत्तर प्रदेश का है। वो भी इसमें पूरी कड़ी में शामिल था। उसको पुलिस ने फिर से ट्रैप ले करके उसको अरेस्ट किया। इन दोनों को अधिक इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान और उसके घर में जब ये किया गया, रेड करके सीज किया गए, वहाँ पे लगभग 8 और बंदूकें और 11 कारतूसें, कुल मिला के 10 बंदूकें 11 कारतूसें यहाँ पे जो रखे गए औजार हैं, जो कि वेपन बनाने के लिए ड्रिलिंग मशीन है, बोर मशीन है, स्प्रिंग पन्नी है, इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो वहाँ से सीज़ किए गए। और अब तक लगभग 53,000 के अलग अलग वेपन्स और आर्टिकल्स हमने सीज़ किए हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा मुख्य करके इंटेंशन ये रहेगा कि इसमें अब तक कितने औजार कहीं और किसी को बेचे हैं क्या। ये जो जिस तरह का वेपन है वो बेसिकली एक रॉ वेपन है और अभी तक की जानकारी से तो ये पता चलता है कि ये अवैध शिकार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले किनको बेची गई है इसका अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऑपरेशनल है क्या जो सारे वेपन? अभी वो देखेंगे, वो तो फायर एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, बट दिख रहा है कि ऑपरेशनल है। ये जो वेपन है किसके लिए यूज किए जाते थे और इसके वजह से क्या कहीं वन्य प्राणियों की ये की जा सकती है? ये जो जिस तरह के वेपन दिख रही है वो रॉ है, 12 बोर है, मतलब सिंगल बैरल
जिसमें भरमा जिसमें छर्रे इस्तेमाल होते हैं और वो ब्रॉड एरिया है, ये प्रिसिजन वेपन नहीं होता है, केवल एक डायरेक्शन में डालने के बाद बड़ा एरिया कवर करता है। तो ज़्यादातर ये वेपन जो है वो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सर, आज तक रिकॉर्ड में देखा गया कि यूपी से अपराधी आते थे, अब तो अपराधी यहाँ पे बंदे के साथ में यहाँ पे हथियार भी बनाने आए। नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि यहाँ हथियार बन रहे हैं। ये केवल और केवल जो अब दिख रहा है कि इसमें बाकी तरह के अपराधों में इसका इस्तेमाल होना दिखता नहीं है, केवल वन्य जीव के बारे में ये शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता था। जहाँ तक बाहर से आए हुए व्यक्ति है वो तो छानबीन में अधिक पता चलेगा। जिस पैमाने पर ये जो हथियार बरामद किए हैं उस तरह से कहीं बहुत बड़ा गिरोह जो है वो शिकार करने के लिए वेपन की डिमांड कर रहा है, ऐसे अभी तक जो हमको इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो केवल केस बाय केस इंडिविजुअल ये लेता था, बड़ा गिरोह है सच तो नहीं दिख रहा है, बट अगर होगा तो वो हम ज़रूर इन्वेस्टिगेशन में लाएंगे।